हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि एक अंकुरित चने को कैसे जो है न चिपचिपाहट रहे, न स्मेल आए, क्योंकि हम अंकुरित करते हैं तो स्मेल आती है तो बच्चे उसे नहीं खाती हैं। ऐसे मैंने अंकुरित आज किया है कि कितने बड़े बड़े अंकुरण हुई हैं और न स्मेल आ रही है, न चिपचिपाहट है। और ये बालों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन इस अंकुरित चने का न्यूट्रिशन और हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका एक सीक्रेट मैं आज आप लोग को शेयर करूँगी। और सारे चने अंकुरित होंगे, बहुत से लोगों के चने अंकुरित नहीं होते हैं, तो सारे चने अंकुरित होंगे और उन न्यूट्रिशन से भरपूर होंगे, बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो इसके लिए मैं बताती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मिट्टी के बर्तन में कोई भी चीज़ अगर भिगोया जाए, कोई भी चीज़ पकाया जाए, तो उसकी गुणवत्ता, उसकी पौष्टिकता जो है दुगनी हो जाती है। और ये साइंटिफिक प्रूफ भी हो चुका है कि एल्युमिनियम में खाना बनाने से 80% पौष्टिकता, लोहे में 90% रहती है और स्टील में भी 90% रहती है। बट मिट्टी के बर्तन में कोई भी चीज़ बनाई जाए, कोई भी चीज़ भिगोया जाए, तो उसकी गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है फ्रेंड्स। इसलिए जो है मैं इसमें ही चने भिगोती हूँ। जैसे रात में किशमिश भिगोना हो तो मैं इसमें भिगोती हूँ, और चने भिगोती हूँ तो इसमें भिगोती हूँ। देखिए, अंकुरण भी बहुत अच्छा होता है और पौष्टिकता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अब से आप जो है इसको यूज करें, इसका इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, मैं इस पानी को फेंकती नहीं हूँ, मैं गमले में डालती हूँ। प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथिंग होती है, आप भी डालकर देखिएगा। मीठी नीम के पत्ते हुए किसी भी प्लांट में आप डालेंगे तो ये पानी बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का काम करता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको हमने जो है रात भर के लिए भिगो दिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फूल गया है। अब हम इसे जो है इसका पानी पूरा निकाल लेंगे। और ये देखिए, इसे छन्नी में ही छान लेंगे, धोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने एक बार पहले से ही धो के तभी भिगोया था। इसको हमने खाली कर लिया है मिट्टी के बर्तन को, पूरी तरह से खाली हो गया है। अब ऐसे ही नमी ये रहे, सुखाएंगे नहीं इसको, इसमें नमी बनी रहेगी, तभी हम इसको जो है ऐसे छन्नी सही थी ऐसे रख देंगे। छन्नी में ही हमने इसका पानी निकाला हुआ था, जैसे बड़ी छन्नी हो आपके पास, नहीं तो ये ऐसा बर्तन हो, जाली वाला हो, इसको भी आप ले सकते हैं। छोटी सी छन्नी हो, कपड़ा हो, वो भी चलेगा, वो सब भी चल जाएगा। तो फिर आप जो है इसको ऐसे जो है एक प्लेट से अच्छे से ढक देंगे, देखिए प्लेट से ढक देंगे। अब आप देखेंगे कि सुबह से जो है शाम तक और सारी रात रहेगा, तो आप सुबह देखेंगे कि बहुत ही अच्छा स्प्राउट इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स। और जो है मैं आपको दिखाऊंगी अभी स्प्राउट करके, बहुत ही न्यूट्रिशन भरपूर इसमें बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। आप इसको ज़रूर यूज करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो प्लीज़ पूरा फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसको मैंने कैसे किया हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ढेर सारा प्यार। प्लीज़ आप मेरे और सारी वीडियो देखिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, मैं प्रयास करूँगी आपके जो है भरोसे पर खरी। देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ कितने खिले हुए चने अंकुरित हुए हैं, कितना बड़ा बड़ा अंकुरण है। और ये देखिए, ना चिपचिपाहट है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, और स्मेल भी नहीं है। स्मेल आती है तो बच्चे नहीं खाते हैं, देखिए बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। ये हमारे बालों के लिए, जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बाल बहुत कम हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रिशन से भरपूर, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन में भिगोया गया है रात भर के लिए, इसलिए ये जो है न्यूट्रिशन से भरपूर हो गया है और अंकुरण भी अच्छा आया हुआ है। और स्मेल जो है, मिट्टी का बर्तन
अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये जो है बहुत अच्छा हो गया है। तो आप जो है ओवरऑल हेल्थ के लिए, जिनके पैरों में दर्द होता है, जिनका फेस जो है डल हो गया है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए आपको जो है 15 दिन में फ़र्क दिखेगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। देखिए मेरे हाथों में बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है और इतने खिले हुए चने हैं कि मेरा मन कर रहा था मैं इन्हें देखती ही रहूं। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे अच्छे ऐसे ही मैं न्यूट्रिशन वाले वीडियो लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो पर प्यार बनाए रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।